आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों का सियासी दावपेच भी जारी है। हर पार्टी इस समय अपना सियासी समीकरण बिठाने में लगी हुई है और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों के मुख्य प्रचारकों का दल बदलने का भी सिलसिला जारी है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं के दल बदलने से सियासी गलियारा भी काफी ज्यादा गर्मा चुका है। इस समय सभी राजनीतिक दलों में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न दिखाई दे रहे हैं। खैर, चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। देखिए रिपोर्ट। सपा की ओर से जारी किए गए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि रामपुर सीट से आजम खां को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि इस समय जेल में है और जेल से ही आजम खां यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को स्वार सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा भाजपा से आने वाले विधायकों को भी टिकट दिया गया है, जबकि कुछ विधायकों की सीट बदली गई है। सपा की इस लिस्ट में जातीय समीकरणों को साधने की भी भरपूर कोशिश की गई है। 31 मुस्लिम चेहरों पर लगाया दांव, 18 यादव, 7 कुर्मी, 7 जाट और 4 निषाद, 4 गुज्जर को भी मैदान में उतारा गया है, 8 ब्राह्मण, 5 ठाकुर, 6 वैश्य और 2 सिख समुदाय के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। सुरक्षित सीटों पर 31 दलित मैदान में हैं। सैनी, मौर्य, कुशवाहा बिरादरी के 11 उम्मीदवार मैदान में। अन्य उम्मीदवारों में ज्यादातर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। चुनाव में 2 सांसदों को भी प्रत्याशी बनाया गया है। आजम खां रामपुर से प्रत्याशी, विशंबर प्रसाद निषाद को फतेहपुर जिले के अहाय शाह सीट से प्रत्याशी। सपा की इस अहम लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम नहीं है, जबकि स्वार विधानसभा सीट से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को टिकट दिया गया है। इसके अलावा चरथावल सीट से पंकज मलिक, ऊंचाहार से मनोज पांडे, नकुट से धर्मपाल सैनी और कैराना से नाहिद हसन को मैदान में उतारा गया है। साथ ही शिवपाल सिंह यादव अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से मैदान में है। माट से रालौद उम्मीदवार के नामांकन करने के बाद भी सपा ने संजय लाठर का नाम सूची में शामिल कर लिया है। वहीं सपा की इस भारी भरकम लिस्ट को देखकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अखिलेश और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने सपा को घेरते हुए जोरदार हमला किया। संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा कि गुंडों और अपराधियों को प्रत्याशी बनाना समाजवादी पार्टी की मजबूती है। आगे लिखा कि ये लिस्ट नई है लेकिन अपराधी वही हैं। वहीं बीजेपी के कुछ और नेताओं ने भी लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची थी वो कई दिनों से जारी नहीं हो रही थी और वो चुपके चुपके लोगों को सिंबल दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही ये सवाल मीडिया के माध्यम से किया था कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में सूची न जारी करके चुपचाप दे रहे हैं, क्योंकि उनकी लोग समझेंगे कि ये नई सपा नहीं वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं। पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका अस्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खां, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह अस्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है या सोच आपकी अस्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा।
खैर, सपा की नई लिस्ट काफी दिलचस्प लग रही है। खासकर आजम खां का जेल से ही चुनाव लड़ना, अब इस लिस्ट पर विपक्षी दल भी जमकर हमला बोल रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आगामी चुनाव में सपा के ये दिग्गज नेता कितना कमाल कर दिखाते हैं और यूपी की गद्दी दिलाने में अखिलेश के सपाई नेता कितनी मदद करते हैं। प्राइम टीवी के लिए अर्चना राय की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।